पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर 2023 को पनवेल और कलमबोली इलाके में सलमान खान को मारने की साजिश की सूचना पुलिस को मिल गई थी। जांच के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गों के नाम भी सामने आए। इसके बाद पुलिस ने कई टीमों को लगाकर अपनी जांच शुरू की। इसी दौरान पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाने की भी जानकारी सामने आई। इन्हीं सबूतों के आधार पर 24 अप्रैल 2024 को नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद पनवेल और कलमबोली के इलाकों में निगरानी रखने की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू की। इस दौरान सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी कर रहे लॉरेंस के चार शूटरों को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।